और आपने इस पर हमें जानकारी दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के किसान पहले ही सूखे की मार से बेहाल हैं। उस पर उन्हें फसल बीमा कंपनियों की तरफ से ऐसे निराश करने वाले संदेश आ रहे हैं जो उनकी तकलीफ को और बढ़ा रहे हैं। क्या पीएम मोदी की फ्लैगशिप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की चोट पर मरहम लगा पाई है? देखिए महाराष्ट्र के सोलापुर से ये खास रिपोर्ट। आपकी फसल बीमा की पॉलिसी संख्या 0402718004012438454 में जमीन के कागज बैंक के कागज में विसंगति होने के कारण CSC VLE को वापस की गई है। आपसे अनुरोध है कि सही कागज जल्द से जल्द VLE को दें जिससे आपकी पॉलिसी पर कार्यवाही की जा सके। धन्यवाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टीम। बीमा कंपनी की ओर से ये मैसेज आया है। महाराष्ट्र में शोलापुर के किसान अनवर पाशा पटेल को ऐसा मैसेज पाने वाले वो अकेले नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या 300 के आसपास बताई जा रही है। बीमा कंपनी ने सही कागजात मांगे हैं, लेकिन किसान इसे फसल बीमा क्लेम हड़पने के लिए कंपनियों की साजिश बता रहे हैं। मेरे को 2-3 दिन पहले एक मैसेज आया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो क्यों हुआ मुझे नहीं पता, और जहां मैंने फॉर्म भरा था मैं वहां पर जाके पूछने की कोशिश की और उन्होंने ठीक तरह से जवाब नहीं दिया। साल दुष्काल होने की वजह से उनको पैसे देने की जब नौबत आ रही है तो ऐसे फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। किसानों की माने तो बीमा फॉर्म के नाम और जमीन के कागजात में कोई गड़बड़ी ना होने पर भी ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं। किसान बीमा कंपनियों पर इस बारे में सही जानकारी ना देने के भी आरोप लगा रहे हैं। वैसे कुछ तफावत या फर्क नहीं था, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट किया। उसको मैंने दोबारा अपलोड किया और मैंने खरीफ और रबी के लिए दोनों के लिए पैसे भरे हैं, लेकिन मेरा खरीफ का रिजेक्ट हुआ है या रबी का रिजेक्ट हुआ है मुझे पता नहीं चला। फॉर्म रिजेक्ट हुआ बोल के SMS आए हैं। किसानों को कुछ SMS का समझता नहीं है। यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग रहते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था वहाँ पे भी किसानों को ठीक तरह से समझाया नहीं जा रहा कि उसका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। इस बारे में जब बीमा कंपनियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल सूखे की मार झेल रहे सोलापुर के किसान मोबाइल पर आ रहे ऐसे मैसेज से खासे परेशान हैं।